बाबू जेंस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका बाबूजी दा मोबाइल लाइट के को न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो लो एंड डिवाइस है, जैसे कि 3 GB रैम वाला, 2 GB रैम, 1 GB रैम वाला जो फ़ोन है ना, वहाँ पबजी मोबाइल लाइट ना बहुत लैग करता है। तुम उस लैग को कैसे ठीक कर सकते हो, यही क्या सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। इससे तुम ये मत समझ लेना कि जो लैग हो रहा है वो एकदम ही ठीक हो जाएगा, नहीं भाई, 90% कम हो जाएगा, बट 10% रहेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले अगर तुम्हें लैग घटाना है तो पहला पॉइंट है अपने फ़ोन को हमेशा खाली रखो, फ़ोन को स्पेस दो, जितना हो सके तुम उसे खाली रखो। तुम वहाँ पे SD कार्ड लगा सकते हो, बट फ़ोन को खाली रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर टिप, हमेशा एक गेम खेलो। अगर फ़ोन हीट होता है तो उसे पंखे के सामने नमा दो, रख दो, ठीक है। क्योंकि जब फ़ोन हीट हो जाता है ना, तब उसका जो परफॉर्मेंस है यानी प्रोसेसर, वो अपना परफॉर्मेंस घटा देता है। क्योंकि अगर फ़ोन उस तरह से हीट होता रहेगा तो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए जो प्रोसेसर है वो ऑटोमेटिकली ना अपना परफॉर्मेंस घटा देता है। इसलिए एक गेम खेलो, उसके बाद अपने फ़ोन को पंखे के सामने रख दो। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, आप फ़ोन को पंखे के सामने तुम गेम खेल सकते हो। अगर पंखे के सामने गेम खेलोगे तो फ़ोन कम हीट होगा और तुम्हारा गेम कम लैग करेगा। और तीन नंबर टिप, हमेशा जब तुम गेम खेल रहे हो उसके पहले तुम जो ऐप्स ओपन करते हो ना, उसको हटा दो, सिर्फ उस गेम खेलो। और जो बैकग्राउंड में जो ऐप होता है वो मिनिमाइज करके उस ऐप सबको हटा दो, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और वो तुम्हारा थोड़ा सा रैम खा जाता है, और अगर वो नहीं रहेगा तो बैकग्राउंड में काम नहीं होगा और तुम्हारा गेम कम लैग करेगा, ठीक है। चौथा नंबर टिप, हमेशा अगर तुम्हारा कम रैम वाला फ़ोन है ना तो उसमें SD कार्ड लगा। मैं जानता हूँ SD कार्ड लगाने से फ़ोन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, बट अगर तुम मान लो तुम्हारे फ़ोन में बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें SD कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तुम SD कार्ड लगा सकते हो, थोड़ा सा कम हो जाएगा बट गेम चलेगा, कम लैग करेगा, ठीक है। और अगर तुम मेरी तरह ही स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड FPS को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से तुम स्क्रीन रिकॉर्ड भी आराम से कर सकते हो। तो और तो कोई कुछ नहीं है, तो यही तुम्हें बताना था। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।